नमस्कार, टारगेट बिथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी आप सभी सब्सक्राइबर्स का आपके चैनल टारगेट बिथालोक पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग फिर से एक दूसरी क्लास के माध्यम से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जिस क्लास का ऑब्जेक्टिव एक प्रमोशनल वीडियोस है, जिस वीडियोस के माध्यम से एनटीपीसी की उस क्रैश कोर्स को जो अभी जल्दी से स्टार्ट किया गया था उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। हालांकि हम लोग एक वीडियोस के माध्यम से पहले भी इंटरेक्ट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग एनटीपीसी के उस 55 दिन के क्रैश कोर्स की रूपरेखा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साथ साथ हमने वहां पर एक सर्कल का कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि हम लोग अर्थमेटिक को थोड़ा सा किनारे करके एडवांस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप जब अगर प्रश्नों का मॉड्यूल देखोगे एनटीपीसी के, खासकर CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा में, तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स का अप्रोच खासकर थोड़ा सा बढ़कर मिलेगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस पर आप अहम भूमिका यहाँ पर इन टॉपिक्स का यहाँ पर फील करते हो जब कभी एग्जाम में यहाँ पर पार्टिसिपेट आप करेंगे। तो उसी दशा में हम लोग यहाँ पर आज सेकंड प्रमोशनल वीडियोस के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको हालांकि आज जो है शेड्यूल प्रॉपर प्राप्त हो चुका है कि मंडे से आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस जो हम लोग यहाँ पर बैचेस में प्रोवाइड करेंगे उसको हम देते रहेंगे, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है स्टूडेंट्स होते हैं जो कि संस्थान से जुड़ना चाहते हैं और तमाम सारे कारण की वजह से वो लोग जो है जुड़ नहीं पाते हैं। तो उन सब के कमेंट्स और मैसेज हम लोग को प्राप्त होते रहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें और जुड़ करके इस बैच में अपनी पार्टिसिपेशंस बनाएं। आप सबकी इन्वॉल्वमेंट, आप सबका जो है हमारे साथ गैदरिंग ही हम लोग का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और आप सबकी परीक्षा में सक्सेस करने का जो रेशियो बनता है हमारा सबसे बड़ा टारगेट माना जाता है। इसी उद्देश्य से हम लोग एनटीपीसी की 55 दिन की क्रैश कोर्स में एक बार फिर से आपके सामने मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य, देखिए 55 दिन का क्रैश कोर्स है जो हम लोगों ने प्लान किया है, 55 दिन का एनटीपीसी का क्रैश कोर्स, जिसमें एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको पढ़ाने का प्रॉमिस हम लोग करते हैं, जिसमें प्रयास पूरा यही रहेगा कि उसी वे में, उसी शेड्यूल में पढ़ाया जाए जैसी कि रिक्वायरमेंट हमारे कोर्स में हमको जो है परीक्षा को पास करने के दौरान होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपके यहाँ, हमारे यहाँ संस्थान से जो बैच चलाया जा रहा, उस बैच के लिए हम लोग यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, जो बार बार संस्थान के तमाम सारे टीचर्स के द्वारा आपको बताया जाता है। वह व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करिए, नंबर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9118606677। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 9118606677। आप अपने मोबाइल पर इस नंबर को सेव करिए और एंट्री फॉर एनटीपीसी करके आप लोग हमें मैसेज दीजिए। हमारे तमाम जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टेलीकॉलर्स हैं, आपसे संपर्क करेंगे, या आप अगर जो पट्टी पर नंबर चल रहा हो उस पर तमाम सारे नंबर्स पर फोन करके और सब बैचेस से संबंधित और तमाम प्रक्रिया से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कोर्स की। जिस कोर्स में हम लोग पिछली क्लास में हमने आपसे जो डिस्कस किया था उसी के आगे थोड़ा बहुत हम लोग फिर से इंटरेक्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने सर्कल का टॉपिक आपसे शेयर किया था। सर्कल में भी मैंने जो है दो प्रकार की बातें आपसे कही थी कि मेंसुरेशनल सर्कल होता है और ज्योमेट्रिकल होता है। मैंने ज्योमेट्रिकल सर्कल नहीं टच करके मेंसुरेशनल सर्कल टच किया था, मतलब क्षेत्रमिति पर आधारित हमने वृत्तों के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने भी प्रॉमिस किया कि हम आपको लाइव क्लास के माध्यम से ज्योमेट्री का भी सर्कल आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले मेंसुरेशनल सर्कल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत बड़े अप्रोच पर डिपेंडेंट होता है। अप्रोच अगर क्लियर है तो सब चीजें आ जाती है। देखिए, दो प्रकार की पढ़ाई मैथमेटिक्स की होती है, एक हवा हवाई में बड़ी जल्दी जल्दी के साथ न्यूमेरिकल जोड़ घटाओ गुणा भाग साल करा दिया जाए, कुछ कंसेप्चुअल स्टडी होती है जो कि बेसिक फैक्ट्स के साथ आपको साथ शेयर की जाए, जिसकी इंपॉर्टेंस तब आपको समझ में आती है जब आप जा करके उन प्रश्नों को जो कि बहुत जल्दी से करने की क्षमता रखते हैं तो उसको करने के बाद बैठ जाते हैं एग्जाम में। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उन चीजों को टच किया जाए, उन पॉइंट्स को यहां पर आपके सामने इंडिकेट किया जाए जिन पॉइंट्स पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने जब सर्कल टच किया, मैंने वृत्त आपको बताया ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आधार पर, तो मैंने वृत्त से संबंधित जो स्थितियां हो सकती है मैंने बताया। मैंने उसमें त्रिभुज को इन्वॉल्व भी किया, त्रिभुज को हालांकि बहुत उस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेंसुरेशन में त्रिभुज की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, उसी प्रकार से वृत्त की भी अहम भूमिका होती है अलग अलग रूप में, लेकिन अलग अलग के साथ उनको अगर मर्ज करके देखा जाए तो उनकी भी बड़ी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। खासकर वृत्त के अंदर उन सम बहुभुज टाइप के फिगर, मतलब ऐसे एक फिगर जिनकी सभी भुजाएं सभी कोण समान होते हैं, वो वृत्त के बाहर और अंदर रह करके एक प्रकार का इंट्रैक्शन प्रोवाइड करते, एक प्रकार की अलग स्थिति प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आज की इस क्लास में त्रिभुज को वृत्त के साथ इन्वॉल्व करेंगे।
त्रिभुज में भी किस प्रकार का त्रिभुज? वह त्रिभुज जो समान भुजाओं से बना होता है, जिसको हम लोग यहां पर समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हालांकि आप चतुर्भुज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब वर्ग को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा आज का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से त्रिभुज को वृत्त के साथ इन्वॉल्व करने का रहेगा, जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप दो प्रकार के फिगर पर अपना इंटरेक्शन बनाइए, एक ऐसे फिगर पे जिसपे हम लोग यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप समबाहु त्रिभुज के बारे में सब अच्छी तरह से यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम तीन बिंदुओं से मिलाकर के एक आकृति बनाएं, जो कि एक त्रिभुज एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी की जो इंपॉर्टेंस है वह ए है कि एबी बराबर बीसी बराबर एसी, मतलब सभी की सभी भुजाएं आपकी समान है। मान लीजिए मैंने सभी भुजाओं को ए रख लिया, अर्थात यह त्रिभुज आपका एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब सभी भुजाएं और सभी कोण समान है। हमने उस दिन आपसे एक फिगर, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सर्कल के बारे में डिस्कस किया, वृत्त जिसको हम लोग कहते हैं। इस वृत्त की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, अलग क्राइटेरिया होती है। वृत्त का अपनी त्रिज्या होती है, वृत्त का अपना व्यास होता है, वृत्त की अपनी परिधि होती है, वृत्त का अपना क्षेत्रफल होता है। उसी अप्रोच में अगर हम त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का भी अपना क्षेत्रफल होता है, जिसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, √3/4a². इस त्रिभुज की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को मिलाने वाली रेखा, जो उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है, हालांकि यह ऊंचाई चाहे जिस शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा को मिला दीजिए, वो सब की सब बराबर होती है। इसलिए उस ऊंचाई का फार्मूला √3/2 a जिसको हम भुजा कह रहे हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की जो बेसिक जानकारी है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, वृत्त में आर त्रिज्या होती है, डी वृत्त का व्यास होता है, और यह डी जो होता है वो आपका 2 × r के बराबर होता है। सी वृत्त की परिधि होती है, परिधि आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि परिधि आपकी 2πr होती है, और साथ साथ आपका एरिया जो कि आपके वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है, जो कि πr² के बराबर होता है। हम लोग इन बेसिक जानकारियों को जब एक साथ इन्वॉल्व करते हैं, मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारे पास जिस प्रकार के चित्रों का एनालिसिस या निर्माण होता है, उसको समझने की बहुत खास रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, आप यहां पर दो काम कर सकते हैं। एक तो आप त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु, मतलब आप त्रिभुज की भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मतलब आप प्रत्येक भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को मिलाने से जो उनका इंटरैक्शन, मतलब इंटरसेक्शन होता है, जहां पर आप प्राप्त कर रहे हैं, आप अगर उस केंद्र बिंदु को लेकर के एक त्रिज्या बना करके किसी एक वृत्त का निर्माण करें, तो वह वृत्त जो बनकर आपके सामने आता है, वह आपका एक सरकम सर्कल बनकर आता है, सरकम सर्कल को हम कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। मतलब किसी समबाहु त्रिभुज के बाह्यतः एक वृत्त का निर्माण हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ पर परिवृत्त या सरकम सर्कल कहते हैं। इसी प्रक्रिया में कभी कभी आप एक ऐसी भी स्थिति का निर्माण करते हैं कि आपके पास इसी प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज हो। सपोज करिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपके पास समान है। आपने क्या किया कि इस त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का बाइसेक्टर बनाया। यह जानकारी हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि बनाने के दौरान ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर जहां इंटरसेक्शन हुआ, उससे इस लेंथ को हम वृत्त की त्रिज्या लेकर फिर से, मतलब इस त्रिभुज की त्रिज्या इसको मानकर, वृत्त की त्रिज्या मानकर एक वृत्त का फिर से निर्माण करेंगे, तो फिर से हमारे सामने एक वृत्त बनकर आएगा, जिसको हम लोग इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल को आप अंतःवृत्त कहते हैं। तो मैंने यहां पर दो प्रकार के वृत्तों का निर्माण किया, एक त्रिभुज के अंदर किया, एक त्रिभुज के बाहर किया। करने की स्थिति क्या थी, कभी आपसे अगर कोई डिस्कस करने की, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बता सकते हैं जब त्रिभुज की भुजाओं का हम मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि आप एक तरह से उसका लंबवत आप जो है विभाजन करते हैं, समद्विभाजन करते हैं, उस स्थिति में जब आप सभी के इंटरसेक्शन से को आप केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर के आप जिस चित्र का निर्माण करते हैं, उससे सरकम सर्कल बनता है, जिसको परिवृत्त कहते हैं। और अगर आप कोणों को अर्धक मान करके जहां पर उनके सभी कोणों का अर्धक एक मिलान बिंदु जनरेट करता है, जिसको आप सेंटर कहते हैं, उससे जिस त्रिज्या को लेकर के वृत्त बनाते हैं, आपको इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त प्राप्त होता है। तो हालांकि हमें यहां पर इसी के बारे में डिस्कस करना है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई त्रिभुज है
तो उस त्रिभुज के परिवृत्त और उस त्रिभुज के अंतःवृत्त के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। त्रिभुज के परिवृत्त और त्रिभुज के अंतःवृत्त के बारे में हम लोग यहां पर आज जानकारी गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। चलिए कुछ जानकारियां हम आपको देने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर बात करते हैं एक समबाहु त्रिभुज की, जो कि एबीसी है। अब इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, सपोज करिए ए है, सबकी सब भुजाएं ए है। इस त्रिभुज की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो आपको पता हुआ रेखा होगी जो कि सीधा जाकर के यहां पर इस पॉइंट पर टच करेगी, किसी भी शीर्ष बिंदु से जा सकती है, यहां से जा सकती है और यहां से भी आ सकती है। तो यह सबकी सब ऊंचाइयां थी त्रिभुज की। मान लीजिए यहां करके यहां पर यम पे मीट कर रही है, यह जाकर यन पर मीट कर रही है, यह जाकर पी पे मीट कर रही है। तो तीन प्रकार की ऊंचाइयां हम लोग यहां पर, फिलहाल ऊंचाइयां अलग अलग नहीं है, सब ऊंचाइयां समान है, आपने ऊंचाइयां नोटिस की। यहां से हम केंद्र प्राप्त कर रहे हैं। अब आपको यहां पर इस केंद्र को लेकर के, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, ऊंचाई जो होगा वह रूट थ्री बाई टू इंटू ए, मतलब भुजा रूट थ्री अपान टू इंटू भुजा के बराबर होगा। अब आपको यहां पर अगर हम इसको ऊंचाई मान लें या इसको ऊंचाई मान लें या इसको ऊंचाई मान लें, किसी को भी ऊंचाई मान लें, तो हम इस ऊंचाई को दो टुकड़ों में ब्रेक कर पा रहे हैं। एक पार्ट आपका स्मॉल आर कहलाया यहां से यहां तक का, और एक पार्ट आपका कैपिटल आर कहलाया यहां से यहां तक। केंद्र को अगर हम ओ कह रहे हैं, ओ से जो ए की दूरी है वह आपकी कैपिटल आर कहलाई। कैपिटल आर जो हो गई वह परिवृत्त की त्रिज्या हो गई। जबकि अगर स्मॉल आर की हम बात करेंगे तो वह अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। एक परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, दूसरी आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। अब सबसे पहली चीज तो हमें इन्हीं त्रिज्याओं में ही संबंध स्थापित करना है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है। मैं नॉर्मल संबंध आपको बता देता हूं कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में संबंध क्या होगा। दूसरी चीज, हमें किसी एक त्रिभुज की जानकारी दे करके वृत्त से संबंधित जानकारियों के बारे में पूछा जाएगा। हमें त्रिभुज की भुजा देकर के वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, या त्रिभुज वृत्त की त्रिज्या देकर के त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ली जाएगी। मतलब किसी एक फिगर के भुजाओं या डायमेंशंस की जानकारी आपको दे करके दूसरे फिगर की पूरी जानकारी आपसे यहां पर ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो पहली सिचुएशन में एक नॉर्मल स्थिति में आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए हम किसी एक समबाहु त्रिभुज के अंतः और परिवृत्त हमने बना रखा है, तो ऐसी दशा में देखिए अंतःवृत्त की बात करें और बाह्य वृत्त की बात करें, हमारे पास देखिए दो प्रकार के वृत्त बन रहे हैं, एक अंतः बन रहा है, एक बाह्य बन रहा है। अंतः आपका स्मॉल आर बना रहा है और बाह्य आपका कैपिटल आर बना रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको बता दूं कि जो हमारे पास अगर यह पूरी की पूरी ऊंचाई है, जो ऊंचाई आपकी कैपिटल आर के बराबर है, सॉरी जो ऊंचाई आपकी रूट थ्री अपान टू ए के बराबर है, इस ऊंचाई के दो हिस्से बन रहे हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर के रूप में। तो जो स्मॉल आर है वह आपका एक तिहाई है कैपिटल इस ऊंचाई का, और जो कैपिटल आर है यह आपका दो तिहाई है इस ऊंचाई का। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो आपकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या इस पूरे इस ऊंचाई की एक तिहाई हिस्सा है, जबकि बाह्य वृत्त की त्रिज्या इस पूरे ऊंचाई का दो तिहाई हिस्सा है। इसलिए अगर कभी भी हमको यहां पर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात अगर ज्ञात करना हो, अनुपात हम लोग सिंपली जैसे 1/3h अनुपात अगर हम 2/3h कर रहे हैं, तो एच एच से कट करके 3/3 से कट करके 1:2 बन जाएगा। 1:2 हम लोग यहां पर अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का बना सकते हैं। बस यहां पर अब बातें देखिए कैसे हो रही हैं। जैसे मैंने देखा कि आपकी जो त्रिज्या थी ऊंचाई से संबंधित हो गई है, और त्रिज्या देखिए ऊंचाई से संबंधित हो गई है, बट ऊंचाई भी तो ज्ञात करना होता है। अगर हम ऊंचाई को भी ना ज्ञात करके डायरेक्ट भुजा से संबंध ज्ञात करने की कोशिश करें तो भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। मैं वही बातें आपसे बता रहा हूं, ध्यान देते चलिएगा आप सब लोग। चलिए देखते हैं हम सब लोग जो बातें यहां पर कर रहे हैं। अब आपको पता है जैसे हम लोग यहां पर इस बात की जानकारी अभी थोड़ी देर पहले देखिए मैंने यहीं पर लिखा था कि h बराबर रूट थ्री बाई टू इंटू ए होता है। और अगर h का मान हम केवल अंतःवृत्त के बारे में अगर हम आपसे बात करें,
पहले अंतःवृत्त के बारे में बात करें, फिर बाह्य वृत्त के बारे में बात करते हैं। अंतःवृत्त के बारे में अगर हम देख रहे हैं कि स्मॉल एयर जो आर जो मेरा है वह 1/3 h है। h की जगह पर अगर मैं √3/2 a रख देता हूं तो r का मान आपके पास 1/3 × √3/2 a हो जाएगा। मतलब केवल हम भुजा की मदद से ही सारा काम करना चाहते हैं। अब अगर जैसे √3 को ऊपर नीचे हम गुणा कर दे, या हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि r का मान हो गया, अगर हम भुजा की हेल्प से जाना चाहते हैं तो √3/6 a, √3/6 a, यह हमारी त्रिज्या अंतःवृत्त की बनेगी भुजा a की हेल्प से। थोड़ा सा अगर जैसे इसमें और ट्रीटमेंट अप्लाई करें तो आप यहां पर जैसे √3 को ऊपर नीचे अगर गुणा कर दीजिए तो ऊपर का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 से गुणा होकर 3 होगा। नीचे की मान की बात कीजिए तो आपका 6√3 × a होगा। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो हमारे पास यहां पर अंतःवृत्त की त्रिज्या जो बन जाएगी 1/2√3 × a हो जाएगा। मतलब अगर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर हम इस रूप में अप्लाई कर दें तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बार अगर हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या के लिए करें, देखिएगा ध्यान से सब लोग, बाह्य वृत्त की अगर हम त्रिज्या के बारे में बात करें तो आप यहां पर थोड़ा सा जैसे अभी मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से अगर चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर 2/3 h है और h की जगह पर फिर से वही हम लोग सब्सिट्यूट करें, आप देख रहे हैं h की जगह पर √3/2 × a है, √3/2 × a है, 2 से कटा तो यह मान √3/3 a है। अगर हम इस √3 को फिर ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो कैपिटल आर आपके पास हो जाएगा 3/3 तो है ही नीचे हमारे सामने, 3√3 × a हो जाएगा। मतलब कैपिटल आर आपका 1/√3 × a हो जाएगा। मतलब अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की मदद से ज्ञात करें तो 1/2√3 × a होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या अगर हम लोग भुजा की हेल्प से ज्ञात करें तो 1/√3 × a होगा। मतलब दोनों प्रकार के वृत्तों की त्रिज्याओं के बारे में हम लोग यहां पर जानकारी इस प्रकार से दे सकते हैं कि आप जो है अगर त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर लिए हो तो त्रिभुज की ऊंचाई के हेल्प से इन सारी चीजों की जानकारी ली जा सकती है। यह बात अगर हम लोग जैसे यहां पर इस अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के अनुपात के मदद से कर पाए हैं, सेम तरीका यहां पर सेम चीजों की जानकारी हम लोग यहां पर किन्हीं अन्य विधियों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव्स उस विधि को आपसे इसलिए डिस्कस करना है कि आप कभी कभी प्रश्नों में इस प्रकार से उलझते हो तो वहां चल करके हम लोग चीजों को बड़ी अच्छी से एनालाइज कर सकते हैं। अगर उस तरह के न्यूमेरिकल अप्रोच पर काम करेंगे तो काफी हद तक हमें बहुत बड़े बड़े फिगर को सॉल्व करने में मदद आएगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं a हैं, मैंने कहा इसके बाह्यतः एक वृत्त बनाया जिसको आप परिवृत्त कह रहे हैं, इसके अंतर एक वृत्त बनाया जिसको आप अंतःवृत्त कह रहे हैं। तो आपके पास यहां पर दो प्रकार के वृत्त बनकर आए, एक अंतः बनकर आया और एक आपका बाह्य बनकर आया। दोनों की त्रिज्या हमने यहां पर नोटिस कर रखी है, एक की कैपिटल आर है मान लीजिए, दूसरे की स्मॉल आर है। सपोज करिए यह वृत्त की ऊंचाई है, आप लोग समझ लीजिएगा यह वृत्त की ऊंचाई है, जो ऊंचाई आप जानते हैं h है और h बराबर √3/2 × a है। आपके बारे में एक और जानकारी हम दे दें कि जो भी शीर्ष बिंदु से रेखा केंद्र को छूकर आएगी वह पहला काम करेगी कि जो भुजा होगी जिस विपरीत भुजा पर पड़ती है, समबाहु त्रिभुज में कभी भी कोई लेंथ जो शीर्ष बिंदु से आकर समकोण त्रिभुज इस पे समकोण बनाए वह हमेशा इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। यह भी a/2 हो जाएगा, यह भी a/2 हो जाएगा। दूसरी बात आपको पता है कि अगर हम इससे इसको मिला देते हैं तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन जाएगा OAM। OAM एक समकोण त्रिभुज बन गया। आपको पता है यह त्रिज्या है, अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो यह परिवृत्त की त्रिज्या है या अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यह परिवृत्त की त्रिज्या है या अंतःवृत्त की त्रिज्या है। अगर हम अंतःवृत्त के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं, मान लीजिए इसको मैंने स्मॉल r कहा है, तो आपको पता है अगर यह स्मॉल r है तो यह लेंथ क्या हो जाएगी, यह लेंथ मेरे पास हो जाएगी √3/2 − a − r, यह लेंथ आपकी √3/2 − r हो जाएगी। तो आपको पता है जो ये लेंथ होगी वही तो लेंथ ए भी होगी, तो यह लेंथ भी आपके पास √3/2 a
माइनस स्मॉल आर हो गई। आप यहां पर समकोण त्रिभुज के फार्मूले मतलब पाइथागोरस नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम काम करें तो रूट थ्री बाई टू ए माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप देख रहे हैं सारी बातें। अगर यहां पर फार्मूले को पूरा रीड किया जाए तो थ्री ए स्क्वायर अपान फोर है प्लस आर स्क्वायर माइनस टू टू से कटेगा तो रूट थ्री ए आर हो जाएगा। कैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। माइनस टू ए बी का मतलब टू इंटू रूट थ्री इन बाई टू ए इंटू आर तो टू टू से कटकर केवल इतना बचेगा। जबकि इधर की बात किया जाए तो ए स्क्वायर अपान फोर हो गया प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए जैसे आर स्क्वायर से आपका कट जा रहा है और अगर हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें देखिए स्थिति क्या बनेगी। मतलब इस टर्म को हम उधर ट्रांसफर कर दें तो आपके पास ए इधर चला आएगा। मतलब 3a स्क्वायर बाई 4 से अगर a स्क्वायर बाई 4 घटेगा तो 2a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा बराबर आपके पास रूट 3a इंटू आर हो जाएगा। देखिए एक a इस a से कट गया, दो एक के दो होता है, दो दुना चार होता है, यह केवल a बटा 2 हुआ बराबर रूट 3 इंटू आर हो गया। r का मान a बाई 2 रूट 3 हो गया, r का मान a बाई 2 रूट 3 हो गया जो कि आप स्मॉल आर के लिए पहले से भी ज्ञात कर चुके हैं। यह हो गया जब हमारे पास अंतर्वृत्त की त्रिज्या हम ज्ञात करना चाहें। इसी समय अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना चाहें तो परिवृत्त के लिए जो अभी हमने यहां पर इस वैल्यू की बात करी है उस वैल्यू का प्रयोग कर लेंगे। तो यही लेंथ हम लोग आपको बता दें, जैसे अगर हम यहां पर इसका मान केवल लिख दें, जैसे जो मेरे पास आर आया है यहां अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो कैपिटल आर आ जाएगा मेरा वह हो जाएगा 1 अपान रूट 3a। बस सिंपल सा यहां पर आप लिख सकते हैं, जैसे उसमें ध्यान दीजिए a अपान 2 रूट 3 होगा, वहां पर आपका a अपान केवल रूट 3 इंटू मतलब a अपान केवल रूट 3 हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें दिमाग में रखकर चलनी पड़ेगी। समबाहु त्रिभुज की हेल्प से हम लोग अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की जानकारी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार के ऐसे प्रश्नों को फेस कर सकते हैं। कुछ बातें हम लोग यहां पर प्रश्नों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न मान लीजिए आया, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जनरल प्रक्रिया के थ्रू अगर हम लोग करें, मान लीजिए मैंने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है। पूरी बात को देखिए, मेरा उद्देश्य यहां पर प्रश्न को बड़ी जल्दी हल करवाना नहीं है, अप्रोच को समझाना है। तो इस अप्रोच को समझने भर के लिए आप लोग चीजों को पढ़ने की कोशिश करिएगा। आपके पास मान लीजिए यह त्रिभुज एबीसी है और ऐसी दशा में हमसे अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। आपको पता है अंतःवृत्त बनेगा, बाह्य वृत्त आपकी जानकारी में है कि यह बनेगा। आपको अभी अभी निकाला था कि अगर हम भुजा त्रिभुज की भुजा के थ्रू अगर हम कैपिटल आर निकाले थे तो 1 अपान रूट 3 ए बना था और स्मॉल आर निकाले थे तो 1 अपान 2 रूट 3 इंटू ए बनेगा। जो मैंने आपको दो विधियों से दो तरीकों से कराया, एक तो ऊंचाइयों को हम लोग अनुपात बनाकर किए थे और एक पूरा डेरिवेट करके किए थे, आप दोनों पद्धतियों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको पता है कि हमसे अंतः और बाह्य की बात कर रहा है, तो अंतः की रेडियस a है और बाह्य की रेडियस a है। इसकी मदद से हम लिख सकते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए इसका यूज करिए, पाई पाई से कट गया, R की जगह पर आपके पास देखिए स्मॉल की जगह पर क्या है 1 अपान 2 रूट 3। अब a हमारे पास दोनों में अगर कॉमन है, वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर अनुपात 1 अपान रूट 3 a का होल स्क्वायर, यही तो हमारा बन रहा है भाई। a हमारा स्मॉल r है, मेरा कैपिटल r है। अब आपको पता है कि यह पूरा का पूरा 1 अपान 4 इंटू 3 ए स्क्वायर, जबकि 1 अपान 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से कटा, तीन तीन से कटा, चार उधर गया, तो आपके पास 1:4 हो जाएगा। अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 हो गया। जबकि अगर हमसे उल्टा पूछा जाता कि बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप यहां पर पलट देते, 4:1 हो जाता। यह सब प्रश्न देखिए जनरली पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस तरह के टॉपिक्स के, और इस तरह के ही अप्रोच आपके एग्जाम में ज्यादातर आपको
फील करने पड़ते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है। तो आपने अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर डिस्कस किया। दूसरी बात हम लोग एक और प्रश्न की करते हैं। देखिए, हमने एक और दूसरा क्वेश्चन उठाया, मैंने यहाँ पर देखिए फिर से, जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मुझे आपको ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर इसका बताना है विद अप्रोच, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना यहाँ पर नहीं दिखाना है, केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाने के मकसद से मैं वीडियो बना रहे हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, मान लीजिए मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा यहां पर 24 सेंटीमीटर की है, इसके अंतः और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हम दो प्रकार के क्षेत्रफलों की बात कर रहे हैं, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको जैसे अभी त्रिज्या की वैल्यू पता है, त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, जैसे हम अंतः वृत्त की बात करें तो अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होती है आपको पता है, इसकी जो त्रिज्या होती है 1/2√3 × a होती है, यह बात हम पता है। अब आप यहां पर सिंपल सा 1/2√3 और a की जगह पर आप पुट करेंगे 24, क्योंकि भुजा देखिए सिंपली 24 दिया है, 2 से इसको काट दीजिए हो गया 12, तो मतलब मेरे पास 12/√3 यह हो गई r। अब आपको एरिया पता है, क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, अब पाई पुट करिए, बट पाई का मतलब 22/7, r की जगह पर 12/√3 का होल स्क्वायर पुट कर दीजिए, जो पॉसिबल कैलकुलेशन हो उसको पुट करिए। कभी कभी रूट थ्री के मान का प्रयोग किया जाता है सब्स्टिट्यूट करके, कभी कभी डायरेक्ट। तो मेरे सामने जो स्थिति है उसके हिसाब से 22/7 × 144/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री का होल स्क्वायर आपका सिंपली 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए जो कि 12 × 3 = 24 होता है। अब आप इसको गुणा करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, 22 × 48/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस अंतःवृत्त के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि इस प्रकार के एक त्रिभुज में बनाया जा रहा है जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 24 सेंटीमीटर है। बात आएगी अगर बाह्य वृत्त की, अगर हम बात करते हैं बाह्य वृत्त की, अब आप देखिएगा बाह्य वृत्त की स्थिति भी आप सबसे मतलब अननोन नहीं है आप इनकी स्थिति से। यहां पर जो कैपिटल आर होता है आपको पता है कि 1/√3 × a होता है, 1/√3 a, a की जगह पर आप देख रहे हैं कि 24 लिखा है, साफ साफ दिख रहा है, यह r हो गया। अब पाई r स्क्वायर यही इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, आप पाई की जगह पर लिखिए 22/7, r की जगह पर लिखिए 24 × 24 लिखिए, मतलब आप डायरेक्ट यहां पर 22 × 24 × 24/7 का होल स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर आप कैलकुलेट करके इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। मैंने फिर से कहा कि मेरा उद्देश्य यहां पर प्रश्न को हल नहीं कराना है, मेरा उद्देश्य यहां पर इसके अप्रोच को, इसके कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रेजेंट करने का है कि केवल अगर त्रिभुज की भुजा दी गई है उसकी मदद से अगर हम इसके अंदर वृत्त बना सकें और इसके बाहर वृत्त बना सकें तो उन वृत्त के क्षेत्रफलों का मान क्या होगा। तो आपने इसको देखा। इसके बाद एक और हम जैसे प्रश्न पढ़ करके थोड़ा सा और अपना कॉन्सेप्ट समझने की करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज की ही भुजा नहीं दिया जाएगा, आपको वृत्त की भी भुजा या वृत्त के बारे में भी जानकारी देकर के त्रिभुज से संबंधित जानकारी पूछा जाएगा। जैसे इसने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है मेरे सामने, उसके अंतः एक वृत्त है, अंदर की तरफ एक वृत्त बना है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वृत्त का, अंतःवृत्त आपका जो बना हुआ है उस अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का मान हमको दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का मान 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हमसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है। अब आपको जानकारी होगी इस चीज की, अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है तो सभी भुजाओं का योग होगा। आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स यहां पर पेरीमीटर या परिमाप कहलाता है। अब आपको जैसे पता है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वैसे जनरली अगर इसको हम एक वृत्त मान लें तो पाई आर स्क्वायर यह इसका क्षेत्रफल 462 हो गया, पाई का मान हम 22/7, आर स्क्वायर, आर हमको नहीं पता है, 462 लिख सकते हैं, 22 से इसको काटा, 22 × 44, और यहां पर फिर से आपके सामने अगर देखा जाए तो 22 × 44 फिर से हम अगर इसको सॉल्व करें प्रॉपरली तो आपका कितना हो जाएगा 422 × 44। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या बचेगा 4 और 44 2 और 2 22 1 के 22, यहां पर r स्क्वायर का मान आप लिख सकते हैं, यहां पर कितना r स्क्वायर का मान 7 × आपका 21 हो जाएगा, मतलब r स्क्वायर का मान आपका 7 × 21 हो गया। तो r का मान आपके पास यहां पर 7 × 21 को हम रूट के अंदर कर देंगे तो
तो आपको पता है 21 के अंदर भी एक सात लिखा हुआ है, तो जनरली आर का मान 7√3 हो जाएगा। जनरली आर का मान 7√3 हो जाएगा। देखिए कैसे किया गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 462, पाई का मतलब 22/7 इनटू आर स्क्वायर इक्वल टू 462। तो आर स्क्वायर का मान आपके पास देखिए 22 से अगर हम इसको काट दे तो 22 × 2 = 44, 2 बचेगा, 22 × 1 = 22, 21 × 7 है। 21 × 7 भी आपको पता है 7, 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 7 में, एक 7 मेरा बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर छूट जाएगा, त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या अगर मुझे पता चल गई, हम यहां पर भुजा को देखना चाहते हैं त्रिभुज की, तो आपको त्रिभुज की त्रिज्या, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या का संबंध हमको पता होता है, क्या रूल है बताइए, 1/2√3 × a है, यह जानकारी हमको पता है। त्रिज्या की जगह पर हम 7√3 पुट कर दें, 7√3, और यहां पर 7√3 इज इक्वल टू आपके पास यहां पर 1/2√3 × a दिया गया है। ऐसी दशा में अगर हम इसको इससे गुणा कर देते हैं तो आपको पता है 7 × 2 = 14, 14 × 3, मतलब क्यों, क्योंकि हम √3 √3 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 7 × 6 = 42। a का मान आपके पास जनरली यहां पर कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, a का मान यहां पर जनरली 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आप लिख सकते हैं। आपको देखिए यहां पर a का मान आपके पास कितना हो गया, जनरली 42 सेंटीमीटर हो गया, जो आप लिख सकते हैं। अब अगर a हमको पता चल गया, मतलब इसकी सभी भुजाएं हमको पता चल गई, ऐसी दशा में हम इसका परिमाप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, परिमाप आप निकाल सकते हैं 42 × 2 करके, क्योंकि आपको पता है कि सभी भुजाएं की, 42 × 3 करके, क्योंकि आपको पता है सभी भुजाओं की लेंथ बराबर होती है, 3 × 2 = 6 होता है, 3 × 2 = 12, 126 सेंटीमीटर यहां पर उस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। एक बार फिर से इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपको एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया था, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा था, हमने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कंपेयर करके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करी। कैसे, क्योंकि आपको जनरल जो नियम पता उसके हिसाब से त्रिज्या आपकी इतनी हो गई 7√3। अब इस त्रिज्या को हम ले गए, और इस त्रिज्या को हमने ले जाकर के क्या किया कि यहां पर त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर ली। हमको पता है त्रिज्या का डायरेक्ट संबंध भुजा के साथ, डायरेक्ट संबंध भुजा के साथ हमको पता है कि r बराबर 1/2√3 × a होता है, इसकी मदद से a का मान 42। अब जब भुजा ज्ञात ही हो गई तो हमसे चाहे क्षेत्रफल को पूछा जाए, चाहे हमसे परिमाप पूछा जाए, आप किसी भी स्थिति में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पूरा विश्वास, आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प मिली होगी। आप लोग इस टॉपिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीखिए, समझिए। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं ज्योमेट्री का सेशन भी यह सर्कल का लाऊंगा, तो आप लोग उसी विश्वास के साथ रहिएगा, हम श्योर मिलेंगे कुछ क्लासेस के बाद। आज की इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।